द नेक्स्ट थ्योरी जो हम करने वाले हैं दैट इज़ फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इट वाज़ गिवन बाय सीके के प्रहलाद सो इसका जैसे नाम से ही पता चल रहा है फॉर्च्यून द बॉटम ऑफ द पिरामिड तो इस uh, थ्योरी में सीके के प्रहलाद ने बेसिकली सजेस्ट किया है कि जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास उतना कैपिटल है और बैकिंग है एक तरह से वो लो इनकम ग्रुप्स को फोकस करें मतलब वो वाले कस्टमर्स जिनका इनकम लो है अब ये थोड़ा आयरॉनिकल लग सकता है कि यार वो तो बड़ी कंपनीज़ हैं उन्हें तो बड़े उस पर फोकस करना चाहिए बट नहीं उन्होंने ये सजेस्ट किया देखो क्या लिखा है टॉप कंपनीज़ टू तो फोकस ऑन लो इनकम या बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट्स इसको आप बोलोगे बी ओ पी मार्किट्स तो उन्होंने ये बोला कि बी ओ पी मार्किट्स पर फोकस करना चाहिए टॉप कंपनीज़ को दे कैन बिल्ड फॉर्च्यून फॉर देम सेल्स एंड द डेवलपिंग इकोनॉमीज़ बाई प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द एस्पायरिंग पुअर अगेन ऑपोजिट लग रहा है थोड़ा बट यही था कि जो पुअर हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स आप बनाओ उन तक वो प्रोडक्ट्स पहुँचाओ बी ओ मार्केट्स को बोलते हैं इसको यू नो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे जो हैं उन मार्केट्स पे आपको फोकस करना है बीओपी मार्केट कंसिस्ट ऑफ फोर बिलियन पीपल हु कंस्टिट्यूट टू थर्ड ऑफ दर्ल्ड पॉपुलेशन तो उन्होंने ये बोला कि जो ये बी मार्केट्स है ये इसलिए उस पर फोकस करो क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड काफ़ी बड़ा है पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन में टू थर्ड जो है वो बीओपी मार्केट्स की ही है अब ये बीओपी मार्केट्स क्या होती हैं उनके फ़ीचर्स हम पढ़ेंगे देखो बीओपी मार्केट्स एक तो हैं इमर्जिंग मार्केट्स यानी कि ये वो मार्केट्स हैं जो अभी आ रही हैं क्योंकि पहले उनको कोई मार्केट समझता ही नहीं था पहले कोई उन पर फोकस नहीं करता था लेकिन अब जैसे इन्होंने बताया कि वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इसलिए धीरे धीरे अब उन पर फ़ोकस किया जाता है इसीलिए ये बोल रहे हैं कि वो एमर्जिंग मार्केट्स हैं लोग पहले भी थे वो लेकिन अब वो मार्केट बन चुकी है एक लोगों के लिए तो वो चीज़ जो है वो अब थोड़ी नहीं है देन लो परचेजिंग पावर ऑब्वियसली जो बी ओ पी बॉटम ऑफ द पिरामिड पे हैं लो इनकम ग्रुप है तो ऑब्वियसली उनकी परचेजिंग पावर कम है लिव इन सब अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑब्वियसली डू नॉट ओन लैंड और इमूवेबल एसेट्स उनके पास लैंड नहीं होगी एजुकेशन नहीं होगी अंडर टैब्ड मार्केट्स ये इंपॉर्टेंट है समझना कि इसलिए उनको बोला कि आप उन पर फोकस करो क्योंकि वो मार्केट्स ऐसी हैं जो अभी इमर्ज हो रही हैं प्लस अंडर टैब्ड हैं ज़्यादा लोग उन पर फ़ोकस नहीं करते सब जो हैं बड़ी यू नो हाई इनकम ग्रुप पे करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑब्वियसली वो ज़्यादा पैसे दे सकते हैं हमें तो हम उनके लिए बनाएंगे ना हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है बट ये वाली जो मार्केट्स हैं बी मार्केट्स ये अंडर टैब्ड हैं अभी तक ज़्यादा इन पर लोगों यू you नो know, ज़्यादा बिजनेस अभी इन पर नहीं फोकस करते हैं तो ये अंडर टैब्ड हैं लो कॉम्पिटिशन इन मार्केट ऑब्वियसली क्योंकि अंडर टैब्ड हैं कम बिजनेस इनपे फोकस कर रहे हैं इस वजह से ये लो कॉम्पटिशन वाली होती हैं कॉम्पिटिशन इन देंस जो फॉर्म्स उनके लिए बना रही हैं मार्केट बी ओ पी मार्केट्स के लिए प्रोडक्ट्स वो कम है फॉर्म्स कम फॉर्म्स का ऑब्वियसली मतलब यही है कि वो कम कॉम्पटिशन उसमें कम है इग्नोर्ड बाई मोस्ट एम एन सीज़ जो मोस्टली एम एनसीज बड़ी कंपनीज़ हैं मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं वो इनको, इनको इग्नोर कर देती हैं अगेन मैंने बताया कि वो हाई इनकम ग्रुप्स पर फोकस करती हैं वॉट कंपनीज़ शूड डू टू सर्व दी बी ओ पी मार्किट्स अब ये समझो कि ठीक है बी ओ पी मार्केट्स पढ़ लिया क्या होता है बट कंपनीज अब क्या करें कि उनको यू you नो know, उनको प्रोडक्ट्स पहुँचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए बी ओ पी मार्किट्स के लिए कंपनीज़ को क्या करना चाहिए पहला इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लानी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना सको कम कॉस्ट में वैसे प्रोडक्ट्स बना सको जो बी ओ पी मार्किट्स को चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट हाई इनकम ग्रुप्स वालों को चाहिए होंगे वो लो इनकम ग्रुप्स वालों के हो सकता है वो प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़फुल ना हो अगर मैं बोलूँ कि कोई बहुत यू नो मान लो आईफोन है मैं वो अगर बनाना शुरू कर दूँ बी मार्केट्स के लिए क्या वो फ़ायदेमंद है नहीं क्योंकि वो उनकी नीड्स को भी सूट नहीं कर रहा ना ही वो उनकी परचेजिंग पावर को सूट कर रहा है क्योंकि वो लो इनकम ग्रुप है वो नहीं इतना अफोर्ड कर पाएंगे तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ टेक्नोलॉजी की मदद से जो उनकी नीड्स और उनकी परचेजिंग पावर के हिसाब से हो ठीक है मतलब उनकी नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाना है आपने अपने प्रोडक्ट्स बना के उनको बेचने का काम नहीं करना उनको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपने बनाना है फिर वो अपने आप खरीदेंगे समझ रहे उसके बाद है डेवलप न्यू बिज़नेस मॉडल्स अगेन बिज़नेस मॉडल्स की ही कमी है बी मार्केट्स के लिए इसलिए वो बोल रहा है कि बिज़नेस मॉडल्स जो हैं वो नए बनाओ देन रीडिफाइन स्केल फ्रॉम बिगर इज़ बेटर आइडियल टू आइडियल ऑफ स्मॉल स्केल ऑपरेशन विध वर्ल्ड स्केल केपेबिलिटीज क्या समझ रहे हो क्या है लिखा है यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि यूजली हम क्या बोलते हैं कि हाँ मेरा काम जो है बहुत बड़े स्केल पर है अगर कोई ये बोल रहा है उसका हम मतलब ये समझते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा इसका बिजनेस है बट स्केल की डेफिनेशन उसने ये बोली थी कि प्रहलाद ने कि बिगर कैन ऑल्सो मीन कि आपका ऑपरेशन स्मॉल स्केल है चाहे स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हो लेकिन केपेबिलिटी उस काम की वर्ल्ड स्केल है मतलब वर्ल्ड में हर जगह वो प्रोडक्ट यूज हो सकता है बस अभी मैं हूँ स्मॉल स्केल पे बट पहले ये सोचते थे जो यूजुअली स्केल हम बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जितना बड़ा बिजनेस यानी ऑपरेशन का ही स्केल बड़ा होना चाहिए चाहे मार्केट उसकी कम है बट यहाँ पे ये बोला है कि स्केल बड़ा होने का मतलब कि आप चाहे स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो लेकिन उसकी कैपेबिलिटी वर्ल्ड स्केल होनी चाहिए कि यानी कि उसमें पोटेंशियल है कि वो बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकता है ऑलराइट सोरी right, so, इसके बाद डेवलप हाई लेवल ऑफ़ कैपिटल एफिशिएंसी एंड न्यू वेज़ ऑफ़ मेजरिंग फाइनेंशियल सक्सेस ये बहुत ज़रूरी है कि यूजुअली जैसे हम फाइनेंशियल सक्सेस को मेजर करते हैं कि ठीक है कितना प्रॉफिट कमा रहे हो कितने बड़े प्रोडक्ट्स बेच रहे हो बट आप इस वो बोल रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ़ कैपिटल एफिशियसी की ज़रूरत है अगेन इसी वजह से क्योंकि आपकी मशीन्स वगैरह इतनी एफिशियंट हो कि वो प्रोडक्ट को सस्ते में बना रही है अगर वो एफिशिएंसी नहीं है उसमें तो आपका प्रोडक्ट महंगा है जो कि आप मार्केट के लिए बना रहे हो वो इतना अफोर्ड वैसे ही नहीं कर पाएंगे आपको महंगे बनाए हुए प्रोडक्ट को सस्ता बेचना पड़ेगा आप लॉस में चले जाओगे उसका कोई फायदा नहीं है तो ज़रूरी है कि आप कैपिटल एफिशिएंसी को लाओ ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो सस्ता बन पाए एटलीस्ट आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो पाए देन एंगेज कस्टमर्स इन प्रोडक्शन एंगेज कंज्यूमर्स इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इम्प्रूव द इनकम एंड परचेजिंग पार्ट यानी कि जो आप प्रोडक्शन बी मार्केट्स के लिए अगर कर रहे हो वहाँ पर बहुत लोग ऐसे होंगे जो शायद अनएम्प्लॉयड होंगे हो सकता है उनको काम की ज़रूरत हो आप प्रोडक्शन में उन्हीं को लगा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपको कम पड़ रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं है या इम्प्लॉयज़ नहीं मान रहे हैं ऐसी कंपनी में आना जो कि बी मार्केट्स को सर्व कर रही है तो आप बी मार्केट्स में से ही कंज्यूमर्स उठा के ही उनको प्रोडक्शन में लगा सकते हो तो आप क्योंकि वो करेंगे वो काम एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन टू इम्प्रूव देयर इनकम एंड परचेजिंग पार अगेन ये टू वे काम करेगा एक तो आपने उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे दी आपको एम्प्लॉयमेंट मिल भी गई प्लस क्योंकि उनको बेनिफिट होगा जिसको आप यू नो मान लो मैं किसी गांव के लिए कुछ प्रोडक्शन करना चाहता हूं मैंने उन गांव के लोगों को ही अपने उसमें काम में लगा लिया तो जैसे जैसे मैं उनको काम में लगाऊंगा ऑब्वियसली उन गांव वाले जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ गई क्योंकि मैंने उन्हें दिया काम तो पहले से उनकी इनकम बढ़ गई अब उनकी इनकम बढ़ने का फ़ायदा भी तो मुझे ही होगा क्योंकि उनकी इनकम बढ़ना मतलब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ना मतलब मैं अपना ही वो जो प्रोडक्ट है या एक्सपैंड करूँ या उसी प्रोडक्ट को महंगे पे भी और कुछ यू you नो know, इनोवेशन डाल के कुछ उसमें फीचर डाल के या जो भी मैं उनकी बढ़ती परचेजिंग पावर का खुद के लिए ही इस्तेमाल कर सकता हूँ तो वही पैसा जो मैंने उन्हें दिया वो मैं बेसिकली उन्हीं से यू you नो know, मेरे ही वो काम आएगी चीज़ क्योंकि तो बेसिकली उन्हीं की परचेजिंग पावर बढ़ा दो पहले ताकि वो ही मेरी मार्केट है तो मेरी मार्केट की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मेरा ही फ़ायदा है मेरा क्योंकि वो महंगे प्रोडक्ट फिर खरीदने के केपेबल के हो जाएंगे अफोर्ड कर पाएंगे उसे तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि यू you नो know, आप कंज्यूमर्स को दो क्योंकि उन्हें भी फ़ायदा ही है उस चीज़ में उनकी इम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल रही है जो उनके पास कोई पैसा नहीं था अब उनके पास पैसा है क्योंकि आप ही ने दिया लेकिन उनके बढ़ते पैसे को आप यू you नो know, अपने लिए ही यूज़ कर सकते हो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए ये मैंने पाँच पॉइंट्स जो हैं बताए इसके अलावा फ़ोर एज फोर एज करके यहाँ पर एक चीज़ है ये दिया था एंडरसन एंड बिलू आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट एग्जैक्टली बट ओके फोर एज इन्होंने दिए थे कि बीओपी मार्केट्स के लिए ये चार चीज़ें बहुत जरूरी हैं ये चार टर्म्स इन्होंने बताए हैं पहला है एक्सेप्टेबिलिटी कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो सब एक्सेप्ट करें ऑब्वियसली कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बनाओगे जो वो खरीदेंगे ही नहीं कोई फायदा ही नहीं है उसका बनाने का तो उनके लिए यूजफुल होना चाहिए क्योंकि बी मार्केट्स की नीड्स हम जो नो बी मार्केट्स की जो नीड है वो हाई इनकम वाले मार्केट के जो लोग हैं उनकी नीड्स से अलग है तो हमें अगर उनके लिए लो इनकम वालों के लिए वो प्रोडक्ट अगर बनाना है तो हमें उन्हीं के नीड्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा तो उन्हीं की यूनिक नीड्स के हिसाब से ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो उनके लिए यूज़फुल होगा तो एक्सेप्टेबिलिटी मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कि उनकी नीड्स के हिसाब से उनके लिए यूज़फुल है ताकि वो उसे एक्सेप्ट करें देन अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी का मतलब ऑब्वियसली अगर आपको अवेलेबिलिटी इन द सेंस कि जो प्रोडक्ट है वो ईजिली अवेलेबल हो देन अवेयरनेस कि जो ऑब्वियसली उन्हें सपने नहीं आएंगे बी मार्केट्स को जो लोग हैं वो उन्हें क्या पता कि हाँ कोई एकदम से नया कुछ जागे और कोई नई बिज़नेस बनी है जो हमारे लिए बना रही है प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज़ उन्हें बताओगे नहीं यू you नो know, तो वो एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा आपको उनको उन तक वो बात पहुंचानी पड़ेगी कि हाँ आपके लिए एक नया बिज़नेस खुला है जो आपकी की मार्केट को टारगेट कर रहा है तो ये भी एक चीज़ आएगी देन अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी इन द सेंस कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे आपका भी नुकसान उनका भी कोई वो फ़ायदा हुआ ही नहीं क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बनाया अपने पैसा लगा के बनाया वो खरीद ही नहीं पाएंगे मान लो आप एक पेन बना रहे हो और पेन यूजुअली आपको बनाना चाहिए कि ठीक है पाँच रुपये से भी कम में देंगे ताकि वो उनके उसको सूट करे बट आपने वो पेन बना दिया बीस तीस रुपये का तो वो क्यों ख़रीदेंगे उसको तो अफोर्डेबल ऐसा बनाओ कि वो उन लो इनकम जो ग्रुप है वो उससे ईजिली यू नो अफोर्ड कर पाए इसके बाद आता है एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेस इन बीओपी मार्केट्स अब आप बोलोगे कि क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है बीओपी मार्केट वाला चीज़ करता है एग्जाम्पल है हमारे पास देखो क्या है एग्जाम्पल्स ओके okay. पहला है एच यू एल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड नाम सुना ही होगा आई गेस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है ये आप देखो ट्रेडिशनली जो है ये उन पर फोकस करता था जो, ए, जो एक जो ये कंपनी थी ये ट्रेडिशनली मतलब पहले uh, उन पर फोकस किया करती थी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्रोडक्ट मतलब थोड़ा हाई एंड पे होता था इसका प्राइस बट एक निर्मा लिमिटेड नाम की यू you नो know, एक कंपनी आई जिससे इसको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था क्योंकि निर्मा लिमिटेड ने लो प्राइस पे एक डिटर्जेंट निकाला था जो कि ऑब्वियसली लो इनकम कंज्यूमर्स को अच्छा लगेगा क्योंकि प्राइस कम है अब लो इनकम कंज्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा थे तो एच का कम हो गया वो मार्केट uh, शेयर और निर्मा लिमिटेड का बढ़ गया था बट नाइनटीन में एच ने पीछे नहीं हटा उसने भी एक व्हील नाम का पता ही होगा आपको व्हील नाम का जो एक डिटर्जेंट निकाला वो लो प्राइस डिटर्जेंट निकाला उसके लिए उसको कुछ ऐसे ही नहीं कि निकाल दिया वो निकालना ऑब्वियसली इजी नहीं होता उसको चीज़ें करनी होती हैं तो कैसे किया था ऑयल वाटर रेशो को लो कर दिया था जिससे उसका प्राइस ऑफ यू नो प्रोडक्शन का प्राइस जो बढ़ता है वो उसे कम पड़ा और ये फ़ायदेमंद भी था क्योंकि ऑयल टू वाटर रेशो कम करने से कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि जो लो इनकम वाले ग्रुप्स के लोग हैं वो ऑब्वियसली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में है और वो जो कपड़े धोते हैं वो पॉन्ड या रिवर्स में धोते हैं नॉर्मल टैप वाटर में नहीं धोते हैं वो तो वो वाला वाटर के हिसाब से ऑयल टू वाटर रेशो उसके हिसाब से उन्होंने कम कर दी तो प्राइस भी कम हो गया तो और कम प्राइस पे वो बेच पाए तो ऑब्वियसली जो व्हील था अब उसके उसमें आ गया वो कंपटीशन में और इसने और क्या किया देखो डिसेंट्रलाइज कर दिया प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एंड स्मॉल आउटलेट्स वर सेटअप इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज ठीक है इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है आई का देखो आई जो है उसने एक ई e चौपाल करके ये आपको दिख रहा होगा ई चौपाल प्रोजेक्ट ये निकाला था जो कि इसलिए था कि जो पुअर लोग हैं उन्हें आप अपना कस्टमर कैसे बना सकते हो ठीक है बाई यूजिंग डैम जो मैंने अभी पॉइंट बताया था ऊपर कि उन्हीं को अपनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में लगा लो तो इन्होंने भी यही करा था कि पुअर को कन्वर्ट कर दिया इंटू कंज्यूमर्स बाय एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग देम बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ प्रोडक्शन सर्विसेज तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में उन्हें काम में लगाए ऑब्वियसली उन्हें पैसे मिले पैसे मिले तो वो ज़्यादा उनकी परचेजिंग पावर हुई तो वो उसी के कस्टमर्स बन गए क्योंकि अब वो उसे अफोर्ड कर पा रहे थे तो बेसिकली ये दो एक्जाम्पल्स बी ओ मार्केट्स के हैं जिससे ये पता लगता है कि एक्चुअल में देर इज़ बेनिफिट फॉर दी मल्टी फॉर दी यू नो टॉप कंपनीज़ जो कि अगर लो इनकम लेवल ग्रुप्स जो लोग हैं उन्हें यू नो उनका मार्केट अगर टैप करें तो दे कैन एक्चुअली अर्न मनी दे कैन एक्चुअली बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेसेस बी ओपी मार्केट्स ऑफर अज पोटेंशियल मैंने पहले भी बताया इस इन मार्केट्स में पोटेंशियल है काफी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये वाली मार्केट जो है अपॉर्चुनिटी एंड प्रोस्पेरिटी बोथ फॉर दंपनीज एंड दंट्रीज ऑल्सो उसने क्या बताया जो इनोवेशन आप करोगे टेक्नोलॉजी में विल क्रिएट मिलियंस ऑफ न्यू एंटरप्रीनर्स एट द ग्रासरूट लेवल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन वैसे भी यूजफुल है देन पीपल एट दॉटम ये मैंने आपको लाइन पहले भी बता रखी है कि जो उन uh, पीपल एंड द बॉटम ऑफ द पिरामिड आर अंडर सर्व्ड वई विध लेस अवेयरनेस एंड नीड सिंपल सोल्यूशंस सो फम मस्ट प्रोवाइड सिम्पल एंड ईजी टू यूज़ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स तो एक तरह से समरी है ये कि जो बी ओ पी मार्केट्स हैं उनको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स चाहिए सिम्पल प्रोडक्ट्स चाहिए और ईजी टू यूज़ चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर पाएंगे यूज़ क्योंकि मे बी बिकॉज एजुकेशन कम है या उनकी लो इनकम है तो ऑब्वियसली देर इज़ लेस ऑफ अवेयरनेस अबाउट सर्टन थिंग्स आप उन्हें बहुत टेक कोई टेक्नोलॉजी वाला कुछ चलाने दे दो कि वो नहीं चला पाएंगे तो उन्हीं के मार्केट्स के हिसाब से उन्हीं की नीड्स के हिसाब से उन्हीं के एस्पिरेशन जो कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाओ देन यू विल बी एबल टू कैप्चर द बी मार्केट दिस वॉज फॉर्चूनर एट दॉटम ऑफ द पिरामिड का एक्सप्लेनेशन ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे आई थिंक वो लास्ट थे तो क्या yeah, मिलते हैं